दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 30 मार्च, एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जहां दोस्तों 8 विभागों के अंतर्गत बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जहां दोस्तों आंगनवाड़ी में 50,000 खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। साथ ही साथ इसरो में भी सीधी बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है और भारतीय डाक विभाग में भी सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट intsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है आंगनवाड़ी में। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से लेटेस्ट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट निकली है। 50,000 वैकेंसीज है, इसलिए आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर पोस्ट के लिए 5वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 45 और 50 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी मेरिट से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है बाल विकास upi.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 27 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले सिलेक्शन सेंट्रल सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें मैसेंजर और साथ साथ रूम ऑर्डरली, वॉचमैन, कुक, मैस वेटर, मसालची और स्वीपर की वेरियस पद खाली है। सैलरी 5200 से 20,200 प्रति माह के लिए है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस की जानकारी भी आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शनों का टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की विद इन 21 डेज है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होने से 21 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 10 अप्रैल 2021 इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत ये पोस्ट निकली है। फायरमैन, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, वेरियस पद खाली है। सैलरी फायरमैन के लिए 19,900 से 63,200 है, फार्मासिस्ट के लिए 29,200 से 92,300 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 25,500 से 81,100 है। 10वीं 12वीं डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फायरमैन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम केरला जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। vssc.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 5 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हार्टोन में। जी हाँ दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पोस्ट है। 310 वैकेंसीज है, 13,500 सैलरी है। 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। हार्टोन रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹354 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। hartone.org.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 29 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 अप्रैल 2021 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 16 अप्रैल 2021 से।
उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, वेरियस पद खाली है। लेवल 1 और 3 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपया आवेदन शुल्क है। SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या ट्रेड टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सूरत गुजरात जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। svnit.ac.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट 19 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए वेरियस पद खाली है। 16,880 सैलरी है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये शुल्क है। SC/ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा मेन रिटर्न एग्जाम, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। OSSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले मार्कफेड में, जहां दोस्तों पोस्ट है डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर और सेल्समैन की 227 वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 47,600 है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 44,900 है, असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर के लिए 35,400 है, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर के लिए 25,500, सेल्समैन के लिए 19,900 है। ग्रेजुएट बीकॉम एमकॉम बीएससी से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। SC/ST पीएच के लिए 600 रुपये शुल्क है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। markfedpunjab.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकले इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के लिए आवेदन करने का यहाँ पर अंतिम मौका है। ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए 2558 वैकेंसीज है। 10,000 रुपये सैलरी प्रतिमाह के लिए है। यहाँ पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। URBCWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये शुल्क है। SC/ST फीमेल के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, जो कि आप हेड पोस्ट ऑफिस से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा मेरिट के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। केरला छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। AP Post.in/GDS ऑनलाइन पोर्टल से 7 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट भी आप 7 अप्रैल 2021 तक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 30 मार्च 2021 की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।